सोलेनोइड के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे एक सोलेनोइड कॉइल है जिसमें 300 टर्न्स हैं पर मीटर। एक सोलेनोइड में छोटा एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये क्या गिवन है? छोटा एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इज कैरिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर। लेंथ ऑफ द सोलेनोइड इज 0.5 मीटर, लंबाई पता है, एंड हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब देखो लेंथ कितनी गिवन है, 0.5 मीटर, और मतलब 500 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर, और इसमें रेडियस क्या है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर। तो लंबाई बहुत बड़ी है एज कंपेयर टू रेडियस, इट्स अ लॉन्ग सोलेनोइड। और लॉन्ग सोलेनोइड के एक्सिस पे बी का फॉर्मूला ये लगता है, म्यू नॉट एन आई। तो एन हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ गिवन है, म्यू नॉट पता है 4π × 10⁻⁷, करंट हमें गिवन है आंसर, राइट। इस क्वेश्चन को देखें, सोलेनोइड जिसकी लेंथ 0.5 मीटर है, हैज अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर एंड मेड अप ऑफ 500 टर्न्स, इट कैरीज अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। मुझे एक बात बताओ, जब वो बोलता है कि सोलेनोइड की लेंथ 0.5 मीटर है, तो समझते हो ये 0.5 मीटर है, ऐसे वायर की लंबाई नहीं है, इसकी लेंथ 5 मीटर है। तो 0.5 मीटर है और इसमें कितने टर्न्स हैं, 500। हमें क्या चाहिए होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट। तो n आ गया, आपको इस क्वेश्चन में लेंथ पता है और रेडियस पता है। अब लेंथ बहुत बड़ी है रेडियस के मुकाबले, तो इट्स अ लॉन्ग सोलेनोइड, तो फॉर्मूला क्या लगेगा, b का म्यू नॉट n i। तो म्यू नॉट का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पता है, i का मतलब करंट पता है, यहां से b की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट। इसमें एक ही एक्स्ट्रा टर्म है कि हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है यहां तक। इस क्वेश्चन को देखें प्लीज, गिवन है कॉपर वायर हैविंग अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.01 ओम पर मीटर, तो एक मीटर की रेजिस्टेंस आपको दे रहा है, इज यूज टू वाइंड 400 टर्न्स ऑफ सोलेनोइड ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ दे रहा है।
तो वो कह रहे हैं एक कॉपर की तार है जिसकी इतनी रेजिस्टेंस है 1 मीटर की, उसको हमने 400 टर्न का सोलेनोइड बनाना शुरू कर दिया, और रेडियस क्या है 1 सेंटीमीटर, तो एक चक्कर का रेडियस 1 सेंटीमीटर, तो लेंथ कितनी यूज कर रहे हो वायर की, 2πr, 2πr में r की जगह 1 सेंटीमीटर, ठीक है। एक चक्कर की लेंथ पता लग गई, ऐसे कितने चक्कर हैं 400, तो टोटल वायर की घुमा घुमा के लेंथ क्या आएगी, पहले एक सर्कल की लेंथ 2π into r, r की जगह 1 सेंटीमीटर को मीटर में, और इंटू 400, तो ये आपके पास क्या जाएगी लेंथ ऑफ द वायर। अब क्वेश्चन ये है कि आप ये बताओ कि कितनी ईएमएफ लगाएं बैटरी की ताकि वो करंट इसमें भेजे और बी इतना जनरेट हो जाए, और बी का फॉर्मूला होता क्या है, म्यू नॉट एन आई, ठीक। तो ये बताओ कि अगर इतनी लंबाई वायर की यूज हो रही है तो इसकी रेजिस्टेंस क्या है, 1 मीटर की ये रेजिस्टेंस है, तो इतनी लेंथ की क्या रेजिस्टेंस है, इसको इससे क्या कर दें मल्टीप्लाई, तो टोटल रेजिस्टेंस, ठीक। इसमें एन का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब यहां पर ना कंफ्यूजन है, लेंथ कौन सी लें, यहां पर दो दो लेंथ आ चुकी हैं, एक वायर की लंबाई और एक ये लेंथ, आपको क्वेश्चन में ये लेंथ भी गिवन है एल, कौन सी लेंथ लें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में एल लें कि जो हमने ये निकाला था ये लें, एल लें, ऊपर वाला ना लें, तो जो एक्चुअल लंबाई है वो नहीं लिया करते, क्या लेते हैं इसमें कितनी लंबा सोलेनोइड है, तो ये देखो 400/20 सेंटीमीटर लेंथ है सोलेनोइड का, तो 20 को मीटर में कन्वर्ट करके एन आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, जबकि रेजिस्टेंस निकालने के लिए आपको एक्चुअल लेंथ ऑफ द वायर कैलकुलेट करनी पड़ेगी सर्कमफेरेंस से, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए आपको एल चाहिए होगा, तो बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बी इज म्यू नॉट एन आई, आई क्या है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ईएमएफ आपको निकालनी है, एन आप निकाल चुके, बी आपको पता है, यहां से आंसर वैल्यू आ जाएगी, कोई डाउट इसमें, ठीक है। तो करंट की जगह ई बाय आर, बस नेक्स्ट। Coil wound around a toroid has inner radius of 20 cm and outer radius of 25 cm. Toroid samajhte ho na? Toroid aisa toroid hai. Ye toroid hai. Is toroid ke andar ka radius, is toroid ke andar ka jo radius hai, ye given hai, 20 cm. और इस टोरॉइड के आउटर रेडियस, ये लंबाई देख रहे हो, ये आउटर वाली, ये कितने गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है, इमेजिन कर पा रहे हो इसे। तो टोरॉइड है, एक टोरॉइड, ये रहा टोरॉइड, अब टोरॉइड थोड़ा सा मोटा होगा ना थोड़ा, तो इसमें ये अंदर का रेडियस है और ये इसके बाहर का रेडियस है ऐसे। तो क्वेश्चन है कि अगर मान लो ये रेडियस आपको गिवन है 20 और 25, तो आपको इसमें करंट बताए, तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बी बताओ। देखो बी की वैल्यू सोलेनोइड वाली ही लगती है इसमें, क्या म्यू नॉट एन आई, तो एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो आप लेंथ क्या लें, 2πa लें कि 2πb लें, दोनों ले लें। पहले अगर आप इसमें एन इज नंबर ऑफ टर्न्स जो कि गिवन है अपॉन लेंथ 2πa लें, यानी कि छोटा रेडियस लें, छोटी लेंथ लें, तो बी आपका मैक्सिमम आएगा, और अगर बड़ा रेडियस लें, बड़ी लेंथ लें, तो बी आपका मिनिमम आएगा आंसर। तो पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक।
सर ये जो